मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ध्यान से सुनना प्लीज। ओके, लिसन केयरफुली। द क्वेश्चन इज, व्हाट कंक्लूजन वाज ड्रॉन बाय मेंडल आफ्टर ऑब्टेनिंग इफ टू जनरेशन इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो, जब मेंडल ने इफ टू जनरेशन को ऑब्टेन किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो उसको क्या कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, अभी टू रिजल्ट मिला था, या फिर इसको दूसरी तरीके से क्या लिखा जा सकता है, व्हाट इंडिकेशन डू वी गेट बाय द री अपीयरेंस ऑफ डाव प्लांट इन एफ टू जनरेशन। तो इससे क्या समझ में आया था, देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या समझ आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो ध्यान रखना हमेशा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया था, ध्यान से समझना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल ऑब्जर्व द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन रिलेशन टू द पोजिशन ऑफ फ्लावर। जब पोजिशन ऑफ फ्लावर की बात करी गई तो उसने कॉन्ट्रास्टिंग मतलब टू डिफरेंट ट्रेट को देखा गया, मेंशन दैट ट्रेट। तो उसने क्या देखा, देखो आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ऑलरेडी समझाया हुआ भी है, दैट आइदर द फ्लावर वॉज टर्मिनल और इट वॉज एक्सियल। टर्मिनल मतलब टिप पर था, एक्सियल टर्मिनल मतलब टिप पर, एक्सियल मतलब एक्सिस पर कहीं कहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस अ राउंड सीडेड प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद अ रिंकल प्लांट। इन एफ टू जनरेशन द रेशियो वॉज 1:2:1। हाउ मेनी प्लांट्स वर होमोजाइगस राउंड एंड हाउ मेनी वर हेट्रोजाइगस राउंड। देखो अब इसका ना क्रॉस बना के देखते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ध्यान से समझना प्लीज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है देखो हमने क्या लिए, पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स मेल फीमेल, राउंड रिंकल्ड, फिर क्या बने बेटू, गैमीट्स बने, कैपिटल आर अलग, कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग, स्मॉल आर अलग। आगे देखेंगे प्लीज, आगे क्या कहता है, फिर हमें क्या कराया, इनके बीच में क्रॉस कराया। वैसे ही देखो 2x2 का बॉक्स बनाया बेटा मैंने, एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, मेल फीमेल, ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैसे आए, ऑल आर राउंड, बिल्कुल वैसा ही क्रॉस करना है जैसा हमने टॉल को लेके किया था। फिर इसकी क्या करी गई बेटा, सेल्फिंग करी गई। व्हेन इट सेल्फिंग वॉज डन तो पेरेंट्स क्या थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, पेरेंट्स ये थे। गैमीट्स क्या बने बेटा, कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग, कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग। अच्छा जी आगे देखो प्लीज, ये गैमीट्स थे तो क्या हुआ, वापस से बिटू सेल्फ प्रोसेस हुआ, ठीक है। क्रॉस बनाएंगे आप, वापस से बॉक्स बनाएंगे 2x2 का, एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इट विल बी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जीन्स का रेशियो। देखो तो जीन्स का रेशियो क्या आया बेटा, एक ही आया 1:2, दो ही आए 2:1। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं बिट्टू, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो ध्यान से समझना प्लीज, कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था बिट्टू, क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था हाउ मेनी प्लांट आर होमोजाइगस राउंड। देखो होमो मतलब एक जैसे, एंड हाउ मेनी प्लांट आर हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रो मतलब अलग अलग, तो देखो होमोजाइगस राउंड कितना है, एक, तो क्या तो आंसर में 1 लिखोगे, या फिर आंसर क्या लिख सकते हो, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कैन बी रिटन एज 1/4। 1/4 मतलब ये रेशियो है, देखो टोटल 4 थे, 1, 2, 3, 4, तो 4 में से 1/4 निकले, और देखो हेट्रोजाइगस 2 हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनोटाइप ऑफ ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट इज डिनोटेड एज कैपिटल जी एंड दैट ऑफ पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट एज स्मॉल जी स्केच द आउटलाइन ऑफ द क्रॉस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो बिट्टू ये सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी जैसे ऊपर वाला क्रॉस मैंने क्या लिया था, कैपिटल आर, इसके अंदर कैपिटल जी लेकर क्रॉस करना है, बिल्कुल सिमिलर क्रॉस है. अब क्वेश्चन है व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन. अंडरस्टूड सा आंसर है बिटू, बिकॉज दिस इज द डोमिनेंट, ग्रीन इज द डोमिनेंट. तो F1 जनरेशन में कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा. नेक्स्ट है गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड इन F1 जनरेशन प्लांट्स आर सेल्फ जनरेट. देखो ये कह रहा है F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन किया, F1 को क्या करा बेटा, सेल्फ पॉलिनेट किया गया. अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैं एक बार छोटा सा क्रॉस बना के ही दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो ये क्या कह रहा है, कैपिटल जी पेरेंट्स लिए थे इसने, ये ग्रीन कलर की स्टेम थी टोमेटो की, स्मॉल जी पर्पल कलर की स्टेम थी. ठीक है बेटा. अच्छा अब इससे F1 जनरेशन आई, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करके लिखा है, आप क्रॉस कंप्लीट बनाएंगे कैपिटल जी स्मॉल जी. अब क्या हुआ बिटू, इसकी सेल्फिंग करी गई थी, सेल्फिंग के अंदर पेरेंट्स क्या लिए गए, पेरेंट्स लिए गए कैपिटल जी स्मॉल जी. अब बात आई गैमीट्स क्या लिए जाएंगे, गैमीट्स विल बी कैपिटल जी अलग स्मॉल जी अलग. अब क्या बनाया गया बेटा, क्रॉस बनाया गया. देखो बॉक्स बनाया 2x2 का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है पिछले वाले का, बस पिछले वाले में R लिखा था, इस बार G लिखा है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिमिलर होता है बेटू, मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे ही मिलेंगे, कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे. देखो कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी. तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में कौन सा कलर आया था बेटा, सॉरी ग्रीन कलर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा ग्रीन. सेकेंड क्वेश्चन था देखो, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड इन इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड. देखो सेल्फ पॉलिनेशन किया गया तो पर्पल की परसेंटेज बताओ. देखो बेटू बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला नहीं आता. परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड, जिसकी निकालनी है आपको परसेंटेज, अपॉन टोटल इंटू 100. देखो ना हमारे मैथ्स वाले सर कहते थे कि ना बहुत आसान सा तरीका होता है, जितने टोटल है, फॉर एग्जाम्पल टोटल है इसमें 1, 2, 3, 4 चार टोटल, निकालनी किसकी है, परसेंटेज ऑफ पर्पल. देखो पर्पल की परसेंटेज निकालनी है तो पर्पल मतलब स्मॉल जी. तो यहाँ पर तो एक ही है तो 1 × 100, तो इट विल बी कैंसिल किया, दैट इज 25%. तो देखो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया बिटू, 25%. थर्ड कहता है इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीनोटाइप दिस एंड दिस इन F2 जनरेशन. देखो अब इसने थर्ड पार्ट में पूछा क्या है, ध्यान से देखना, ये कह रहा है 2 का रेशियो निकालो सिर्फ, कैपिटल जी रेशियो कैपिटल जी स्मॉल जी. तो देखो ये कितने हैं, 1, और ये कितने हैं बेटा, 2. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1:2. इतना क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ कैन अ प्योर ब्रीड बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली. सिंबॉलिकली का मतलब होता है सिंबल के थ्रू एक प्योर ब्रीड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो देखो हमेशा होमोजाइगस तरीके से, होमो मतलब एक जैसे तरीके से, फॉर एग्जाम्पल पर्पल और व्हाइट फ्लावर्स का एग्जाम्पल लेना है आपको, तो सबको बता बेटू पर्पल और व्हाइट फ्लावर्स में से डोमिनेंट कौन सा होता था, पर्पल फ्लावर वॉज डोमिनेंट, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P एंड कैपिटल P. वाइल व्हाइट फ्लावर इज रिसेसिव सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल p एंड स्मॉल p. अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ह्यूमंस हैव अ जेनेटिक बेसिस ऑफ 6 डिटर्मिनेशन. ह्यूमन बींग्स में जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है, 6 डिटर्मिनेशन होता है, वो जेनेटिक मतलब जीन्स से या क्रोमोजोम से होता है. तो बिसाइड ह्यूमंस विच ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक बेसिस, तो देखो किस किस का होता है, काउ का, डॉग का, मंकी, हेन, फ्लाई एट्सेट्रा. ये कह रहा है विच क्रोमोजोम आर सिमिलर इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स. तो देखो
22 pairs similar होते हैं. जो 23rd वन होता है तो वो females में होता है XX और males में क्या होता है XY. अब जो similar होते हैं उनका काम क्या होता है, देखो question है what is the function of these types of chromosomes. तो ये क्या carry करते हैं, ये characteristics को carry करते हैं other than sex determination. देखो भैया sex determination के अलावा जो characteristics होते हैं उनको क्या करते हैं बिटू, ये लोग carry करते हैं. देखो अगर ये question आ जाए ना बिटू, How do Mendel experiment show that the traits are inherited independently? तो मैंने कई बार कह रखा है जहाँ पर भी word independent आ जाए ना तो law of independent assortment होता है बेटा. वो देखो ध्यान से समझना, it is law of independent assortment. देखो और law of independent assortment होता है तो हमेशा कौन सा cross बनाते हैं बेटू, it is डाईहाइब्रिड क्रॉस. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी परेशान मत होना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन ह्यूमंस इफ जीन बी कैपिटल बी इज फॉर ब्राउन आइज एंड स्मॉल बी इज फॉर ब्लू आइज देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ द पर्सन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. अगर एक में कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कैपिटल बी इज द ब्राउन, ब्राउन इज द डोमिनेंट, तो कैपिटल बी स्मॉल बी का कलर कौन सा हो जाएगा बेटा, इट विल बी द ब्राउन कलर. ध्यान से देखना प्लीज, स्मॉल बी के अंदर कलर कौन सा हो जाएगा, स्मॉल बी इज फॉर ब्लू आइज तो इट विल बी द ब्लू कलर एंड द कैपिटल बी विल बी ऑल्सो द ब्राउन कलर. देखो बच्चा मैंने कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कराए हैं इसके, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है. देखो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक. हेट्रो मतलब अलग अलग, क्योंकि वो डिससिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स बनाते हैं. एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाता है, एक के अंदर वाई क्रोमोसोम जाता है, मतलब गैमिट्स जो बनते हैं उनमें अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं बिटू. क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आएंगे नेवर एक्सपेक्ट कि उनकी लैंग्वेज सेम होगी. देखो फॉर एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन, देखो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन सेल्स. तो ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46. देखो ये लाइन सही लिख कर आना, क्या तो लिख कर आना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे याद रखना. या फिर भूल जाओ तो ऐसे लिखना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स. सो सेक्स क्रोमोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स और जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेक्स या जेंडर को डिटरमाइन करे, जो बताए कि कौन मेल बनेगा और कौन सा फीमेल बनेगा. एंड व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम. तो देखो स्पर्म में कौन सा है एक्स और ओवम में हमेशा ही कौन सा होता है एक्स, तो एक्स एक्स से क्या बन जाएगी बेटा, फीमेल बन जाएगी. आई थिंक आई एम क्लियर विद द क्वेश्चंस. किसी और को इन तरह के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे इधर वीडियो पे कमेंट करेंगे, अपना अपना नाम डालेंगे सो दैट आई कैन बी कन्फर्म्ड आप लोगों को क्लियर हो गया है. थैंक यू सो मच.